Hi everyone, welcome back to the channel. My home hacks, myself Varsha and welcome back to the channel. आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन. ये जो है अलमीरा, लोहे की आयरन की अलमीरा है. इसको मैं कैसे ऑर्गेनाइज रखती हूँ जो काफी लंबे समय तक ऑर्गेनाइज रहती है, वो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और हेल्पफुल भी रहेगा. सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब लाल बटन को दबाकर एंड बेल आइकन को भी दबाइएगा मोर अपडेट्स के लिए. अगर आप चाहते हैं और भी मेरे अपडेट्स आपको मिलते रहें और मेरी डेली लाइफ की अपडेट्स आपको मिलती रहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं. सो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड इंस्टाग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी एंड ये रही इंस्टाग्राम आईडी, तो आप जरूर जाके फॉलो कर लीजिएगा. चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं. बिफोर लुक वार्डरोब का कुछ इस तरह से है. अगर अच्छे से ऑर्गेनाइज़र यूज़ नहीं किए जाएँ अलमीरा में तो इसी तरह से ऑर्गेनाइज रहती हैं, मतलब ऑर्गेनाइज ही नहीं रहती हैं, सारा सामान यहाँ से वहाँ हो जाता है. तो अगर आप अच्छे से क्लीन करना चाहते हैं ना, ऑर्गेनाइज करके रखना चाहते हैं तो ऑर्गेनाइज़र का ज़रूर यूज़ कीजिए. नीचे बड़ा सा कैबिनेट है, उसमें भी काफ़ी सारा सामान भर जाता है. सबसे पहले मैंने लिया है अपना पार्ट्स नीचे का कि मैं उसको डीक्लटर कर सकूं, जो भी एक्स्ट्रा कपड़े हैं एक्स्ट्रा सामान है उसमें से हटा सकूं. मैं एक एक पार्ट ही यहां पर लेती हूं ताकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर ना हो जाए. छोटी बेटी है, अगर वो बीच में डिस्टर्ब करने लगे तो सारा सामान फैला रह जाता है. इसलिए मैं पार्ट्स वाइज ही उसको क्लीन करती हूँ कि पहले नीचे का ले लिया फिर ऊपर का ले लिया, इसी तरह से सारा सामान एक साथ नहीं निकालती हूँ. हाँ, बट जो लोग फ्री हैं और कोई टेंशन नहीं है तो वो सारा सामान निकाल कर फिर उसको कैटेगराइज करके ही यूज़ रख सकते हैं, वो भी एक अच्छा आइडिया है रखने के लिए. बट मैं इस तरह से करती हूँ तो मेरे ऊपर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं होता है और मेरा काम भी अच्छे से हो जाता है. तो मैंने यहाँ पर सारे सामान की डीक्लटरिंग. यहाँ पर काफ़ी सारे मेरे कपड़े निकल आए हैं, कुछ प्रोडक्ट्स मैं वहाँ पर रखती हूँ अलमीरा में वो भी निकल आए हैं जो एक्स्ट्रा थे. तो यहाँ पर कुछ सामान खाली हो गया है जो अलमीरा से अब कम हो जाएगा और मैं या तो डोनेट कर दूँगी या हटा दूँगी, जो भी करना होगा वो बाद में सोचा जाएगा. तो कुछ सामान एक्सपायर भी हो गया था, उन सबको निकाला है. इनकी वीडियो मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि डीक्लटरिंग चीज़ों को कब कैसे किया जाए. अब बात करते हैं डस्टिंग की. तो यहाँ पर काफ़ी डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं धूल के, तो यहाँ पर अच्छे से क्लीन कर लेना है अलमीरा को. मैं कर रही हूँ क्लीन और एक इस तरह के ब्रश से अच्छे से क्लीन हो जाती है अलमीरा. यहाँ पर मैंने यहाँ नीचे लाइनिंग की जगह न्यूज़पेपर का यूज़ किया है क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं थी कोई भी लाइनिंग की इतनी चौड़ी हो और मैं बिछा सकूँ. हैंगर्स में मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ कुछ इस तरह के सूट और प्लाजो जो सेट में हैं. सेट्स होते हैं जिनके चुन्नी प्लाजो सूट एक साथ होते हैं, तो मैं इस तरह से ही हैंग करती हूँ ताकि मुझे एक ही साथ सारा सामान मिल सके. तो जितने भी सूट मेरे इस तरह के हैं पेयर वाले, वो इस तरह से मैं हैंगर में हैंग कर दूंगी. हाँ, जितना मैं सामान आपको दिखा रही हूँ या इस अलमीरा में ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ उतना ही केवल सामान नहीं है मेरे पास, काफ़ी सारा और भी है जो मैं बेड बॉक्स में रखे रहती हूँ या और कहीं डेली में यूज़ होता है. इस तरह के सूट के या फिर प्लाजो वगैरह के नाड़े निकल आते हैं, धागे निकल आते हैं, तो उसी हैंगर में ही इसको हैंग करें, वरना नीचे फिर वो मैसी मैसी सा दिखता है. तो जितने भी मेरे हैंगर्स पे सूट करने थे वो कर दिए हैंग. देन यहाँ पर कुछ चुन्नियाँ हैं जो रेगुलर यूज़ होती हैं और सीफोन की हैं, तो वो उसकी फोल्डिंग जल्दी ही हट जाती है. तो इस तरह से एक हैंगर पे मैंने 5 से 6 आराम से चुन्नियाँ हैंग हो जाती हैं. तो इनको एक साइड में, मतलब कॉर्नर में ही इसको लटकाऊँगी ताकि फिर वो लंबी हैं तो नीचे से फिर और एक्स्ट्रा स्पेस ना ले मेरा. इस तरह से चुनियाँ मुझे मिल भी जाती हैं और ऑर्गेनाइज भी अच्छे से रहती हैं अलमीरा में, क्योंकि ये सीफोन की होती हैं तो जल्दी जल्दी फोल्डिंग इसकी बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती है. अब मैं कर लेती हूँ सारा सामान अपना ऑर्गेनाइज, फिर दिखाती हूँ कि मैंने कहाँ और कैसे ऑर्गेनाइज किया है. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away.
fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked. तो ये रही मेरी आयरन की अलमीरा जो डबल पार्ट्स में आती है। तो एक साइड मेरे हस्बैंड के कपड़े रहते हैं, नीचे कुछ घर से रिलेटेड कपड़े होते हैं, और जो एक पार्ट है उसमें मेरे कपड़े रहते हैं जो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ, मार्केट जाना है, रित्या को लेने जाना है, उन सब के लिए। तो वही सारे कपड़े इसमें रखे हैं। बहुत ज़्यादा पार्टी वेयर क्लॉथ इसमें नहीं मैं रखती हूँ, सिर्फ डेली यूजेस। तो जो इसका ऊपर का पार्ट है उसको मैंने किया है कुछ इन चीज़ों से ऑर्गेनाइज, रख रखे हैं ऑर्गेनाइज, क्या सारा सामान है जो रखना ही पड़ता है इसमें, और एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है मेरे पास। तो दो किट हैं जिसमें एक में नेल पेंट हैं सारी, एक में मेरा जो ओकेजनली मेकअप होता है, मैं बहुत कम मेकअप करती हूँ इसलिए इसमें किट में और अलमीरा में ही रख देती हूँ, क्योंकि ये रेगुलर यूज़ नहीं होता है, कहीं जाना हो पार्टी वगैरह में तभी यूज़ होता है। तो इस तरह से रख रखा है। देन यहाँ पर सारे बैंगल्स और चूड़ियाँ मैंने रखी हुई हैं जो पहन सकते हैं, कभी कभी मन कर जाता है पहनने का। और यहाँ पर मैं बहुत कम ही इन सब चीज़ों को रखी हुई हूँ, सारी चीज़ें साड़ी और चूड़ी वगैरह, ये सब साड़ी से रिलेटेड जो सामान होता है वो मैं घर पर ही रख रखी हूँ। यहाँ पर बहुत ही कम सामान है। तो कुछ चूड़ियाँ हैं जो मैंने ऊपर साइड को रख दी हैं क्योंकि वो कम यूज़ होती हैं। यहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स इसलिए रखा हुआ है क्योंकि दित्या के हाथों से दूर रहे, वरना ये डिब्बा उसको दिखता है तो उसको सारा सामान फैलाने की पड़ती है। पीछे मेरा हाथ नहीं जाता है इसलिए वहाँ पर कुछ ऐसा सामान रखा है जो यूज़ नहीं होता है। नीचे आते हैं, एक बड़ा सा सेक्शन है जिसमें कि मैंने सिर्फ अपने कपड़े रखे हैं। पीछे कुछ इस तरह के पिंस लगे हुए हैं जिसमें मैंने अपने सारे का मतलब दोनों पर्स टांग दिए हैं, उसमें छोटे छोटे पाउचेस भी डाल दिए हैं जो जब भी यूज़ होता है पीछे से निकालना आसान हो जाता है। और यहाँ पर हैंगर पे सारे सूट टांगे हुए हैं जिसमें सेट हैं सारे चुन्नी और प्लाजो के। ये जो पर्स हैं उसके अंदर ही सारे बैग्स पड़े हुए हैं जो छोटे छोटे होते हैं। पर्स भी मैं सिर्फ दो ही अपने पास रखी हूँ, बहुत ज़्यादा शौक़ मुझे नहीं है पर्स वगैरह का क्योंकि कम ही मैं यूज़ करती हूँ। यहाँ पर कुछ कार्डबोर्ड का ऑर्गेनाइज़र बनाया हुआ है जो सामने से सारे दिखते हैं, इस तरह के मार्केट में भी मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं इसमें रखी हुई हूँ कुछ जीन्स जो सामने दिखते हैं, निकालना भी आसान होता है। कुछ ऊपर चुन्नियाँ हैं जो सूट के मैचिंग की हैं, तो इस तरह से रख देती हूँ तो सामने दिखती हैं। ट्रिप पे जाना है तो कुछ एक्स्ट्रा क्लॉथ्स भी अभी मेरे पास रखे हैं जो न्यू थे। इस तरह की दो बास्केट मैंने रखी हुई हैं। बास्केट में सामान रखना बहुत ईजी हो जाता है, निकालना आसान हो जाता है। एक के ऊपर एक स्टिक करके रख लेती हूँ तो स्पेस भी कम लेता है। एक में मेरे सारे सूट हैं यानी कि कुर्तियाँ ओनली, एक में प्लाजो हैं और लेगिंग्स हैं। लेगिंग्स मैं कम यूज़ करती हूँ तो मेरे पास कम ही हैं, बट जो भी हैं मैंने पीछे रख दिए हैं। इस तरह से दोनों बास्केट सेम हैं, सेम साइज़ की हैं। काफ़ी सारे मेरे कुर्ता और प्लाजो इस पर आ जाते हैं जो मैचिंग के नहीं है, किसी के साथ भी किसी कोई भी पहन लेती हूँ। तो एक के ऊपर एक रख देती हूँ तो स्पेस भी मेरा यूज़ हो जाता है और काफ़ी सारा सामान भी यहाँ पर मेरा रख जाता है। अगर सिंगल रखो तो इसमें बहुत कम सामान आता है। फिर यहाँ पर एक किट रखी हुई है जिसमें मैं एक्स्ट्रा मेरी क्लिप्स ज्वेलरी वगैरह होती हैं, कम यूज़ होती हैं, इस तरह की किट मेरे पास एक्स्ट्रा रखी थी तो मैं इसमें ये सारा निकनेक आइटम्स रख देती हूँ, क्लिप्स रिबन्स वगैरह जो न्यू होती हैं, यूज़ नहीं होती हैं। इस तरह का एक ऑर्गेनाइज़र है, ईयरिंग्स ऑर्गेनाइज़र, इसमें ईयरिंग्स रखे रहते हैं जितने भी हैं मेरे पास, और इसको मैं इस तरह से स्टैंड पोजीशन में रख देती हूँ ताकि ये गिरे नहीं, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज़र बड़े काम का है, इसमें कोई भी मिक्स मैच नहीं होती हैं चीज़ें, ये सेपरेट बनी रहती हैं। पीछे एक और ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाया हुआ था जिसमें सारे टॉप हैं, और ये पीछे साइड इसलिए हैं क्योंकि ये वो वाले टॉप हैं जो कहीं बाहर जाते हैं तब मैं यूज़ करती हूँ, तो ये पीछे रख दिए हैं। बट ये इजी होते हैं निकालना, बस एक चीज़ को हटाना है, आगे खिसकाना है और निकल जाता है, क्योंकि ये अलमीरा की गहराई जाना है तो पीछे साइड को भी काफ़ी सारा सामान मुझे रखना पड़ता है, इसलिए इस तरह से मैं इसको ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ।
इसमें सूट यही सब चीज़ें हैं, बट जो मेरे डेली वेयर लोवर और टी शर्ट्स हैं इस तरह की बास्केट का यूज़ करती हूँ और इनको मैं बाहर ही निकाल के रखती हूँ कि ताकि मुझे बार बार डेली वेयर कपड़ों के लिए और ई अलवीरा ना ओपन करनी पड़े मॉर्निंग में जो यूज़ होते हैं कपड़े। तो इसके लिए लोवर और टी शर्ट्स के लिए मैं बाहरी बास्केट रख रखी हूँ इसमें, क्योंकि अब स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। देन ये जो है कपड़ों का पूरा हुआ। अब जो मेरे एक्स्ट्रा कपड़े हैं उनको मैं इस तरह, नीचे काफ़ी बड़ा कैबिनेट है, इसमें काफ़ी सारा सामान एक साथ बन सकता है, तो इसका यूज़ किया है। इसमें रख रहे हैं कुछ इस तरह के पाउचेस, और ये जितनी हैं वो बेडशीट हैं जो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ, तो इस तरह से अच्छे से यहाँ पर लाइन से लगा रखी हैं, वो हटती भी नहीं है, मिटलती भी नहीं है, क्योंकि इसकी किस तरह से मैं रखती हूँ वो आपके साथ पहले भी वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ। ये दो किटें हैं जो ट्रांसपेरेंट हैं, आगे से तो पता भी लग जाता है कि इसमें क्या रखा है। इसमें देते हैं कि सारे फ्रॉक्स वगैरह रखी हुई हैं, कुछ मेरी चुन्नियाँ हैं जो हैवी हैं, तो यहाँ पर मैं इस तरह की किट में रखी रहती हूँ, क्योंकि ये कम यूज़ होती हैं और जब भी यूज़ होती हैं इजी होता है निकालना, धूल वगैरह इसमें नहीं जाती है इन तरह की किटों में, और एक साथ काफ़ी सारा सामान इसमें आ जाता है। तो एक में कुछ फ्रॉक्स और स्टॉल्स हैं, देन दूसरे में जो हैं वो मेरी साड़ियां हैं, जितनी भी मेरे पास साड़ियां हैं वो यहाँ पर रखी हैं, क्योंकि साड़ी का मैं कम यूज़ करती हूँ यहाँ पर, बहुत कम, रेयर केस ही होता है कि कभी कभार मैं शौक में पहन लूँ, वरना यहाँ पर मैं साड़ी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, तो बहुत कम रखी हूँ। जितने रखी हूँ इसमें रख ली हूँ, साड़ी ब्लाउज़ पेटीकोट सारे एक साथ रखे हैं, ये फिर फैले फैले नहीं दिखते हैं, एक साथ रख जाते हैं, पता भी रहता है। कुछ एक्स्ट्रा सूटर्स हैं जो मैंने अभी स्टिच करवाए थे, तो यहाँ पर अभी वो न्यू है एकदम, तो अभी रखा है, जब भी मुझे ज़रूरत होगी मैं यहीं से निकाल लूँगी, क्योंकि वो जैसे आए थे वैसे ही रखे हैं, तो मुझे उसको हटाने का भी मन नहीं कर रहा है। यहाँ पर बेड शीट्स रखी रहती हैं, क्योंकि और मेरे पास कोई भी कैबिनेट नहीं है कपड़े रखने के लिए, और जो भी है यही है, इसी में मैंने सारा ना एडजस्ट करना पड़ता है सामान। एक और कार्डबोर्ड ऑर्गेनाइज़र बनाया हुआ है, मेरे पास काफ़ी ऑर्गेनाइज़र अपने DIY ही मिलेंगे, इसमें मैंने रखा है जो पैकेट्स बंद होते हैं मेहंदी के पाउडर्स के, वो सारा सामान अपना रखा है। यहाँ पर कुछ हैं जो एक्स्ट्रा क्लॉथ हैं, मुझे टेबल वगैरह पर डालने के लिए चाहिए होते हैं कभी मन करता है, तो बड़े बड़े क्लॉथ हैं जो मैं टेबल पर, स्टूल पर, चेयर्स पर डाल देती हूँ। इन पे एक और वो डिब्बे में मैंने रखे हैं छोटे छोटे कटिंग के कपड़े, जो सूट सिलवाओ उसके बाद मिल जाते हैं, तो मैं रख लेती हूँ, क्योंकि इससे मैं बनाती हूँ ऑर्गेनाइज़र वगैरह, काफ़ी आपने देखे होंगे छोटे छोटे क्लॉथ्स का यूज़ करके मैं काफ़ी ऑर्गेनाइज़र बना लेती हूँ। तो ये रहा मेरा एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन वीडियो, आई होप ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा हो, अगर इस तरह की आपके पास वार्डरोब है तो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। चलिए फिर आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, अब आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में लूँगी। कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कितना हेल्पफुल रहा वो भी बताइए। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।